हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल खाना खजाना विद स्वाति पवार में। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ ओरियो बिस्कुट का केक बनाना। ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनके तैयार होता है। तो देखिए, हमने यहाँ पे ओरियो बिस्किट ले लिया है केक बनाने के लिए, 1 कप दूध ले लिया है, बेकिंग सोडा ले लिया है, या फिर आप इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और चीनी ले ली हमने। चलिए दोस्तों, केक बनाना स्टार्ट करते हैं। केक बनाने के लिए हम यहाँ पे बिस्किट को अच्छे से खोल लेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। इस तरीके से बिस्किट को हमें निकाल लेना है और इसे एक पाउडर तैयार कर लेंगे। मिक्सिंग जार ले लेंगे हम। आप चाहे तो इसका क्रीम निकाल सकते हैं, क्रीम निकालना हो तो। इस तरीके से सारी बिस्किट हम डाल देंगे और इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लेना है हमें, जैसे कि आप देख रहे हैं। इस तरीके से हम कर लेंगे। हमने यहाँ पे बिस्किट को टुकड़ों में कट कर लिया है। अगर आप चाहे तो इसे टुकड़ों में ना भी करें तो अच्छे से ग्राइंड पेस्ट तैयार हो जाएगा, फाइन पेस्ट। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी शक्कर डाल देंगे, क्योंकि बिस्किट जो हमारी है वो ऐसे भी मीठी होती है, तो ज्यादा शुगर डालने की हमें जरूरत नहीं होती है। अब हम इसे अच्छे से पीस लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, बिस्किट का हमारा फाइन पेस्ट पाउडर बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। हमने यहाँ पे केक टिन ले लिया इस तरीके का, आप इस तरीके का ले सकते हैं। अब हम इसे घी से अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। इस तरीके से कर लेना है। आप चाहे तो इसे बटर से या फिर ऑयल से भी कर सकते हैं। इसे अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेना है हमें। मोल्टा हमारा अच्छे से ग्रीस हो चुका है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा मैदा डालेंगे, ताकि हमारा जो केक है वो अच्छे से निकल जाए बाहर आसानी से, कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तरीके से हमें मैदा थोड़ा सा डाल देना है पूरे केक टिन में, जैसे कि आप देख रहे हैं। इस तरीके से कर लेना है, इससे हमारा केक जो है वो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। अब जो एक्स्ट्रा हमारा मैदा है, उसे इस तरीके से हमें निकाल लेना है। इसे बाहर निकाल लेंगे हम इस तरीके से। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। हमने यहाँ पे कढ़ाई ले ली है, गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है। हमने यहाँ पे 1 कप के करीब ले लिया है नमक। इस तरीके से नमक को ले लेना है, इसे अच्छे से लेवल में मिला लेना है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब हम यहाँ पे एक स्टैंड या फिर एक प्लेट को ले सकते हैं इस तरीके से। अब हम इसे ढक के 10 मिनट के लिए प्री हीट होने देंगे। इसे 10 मिनट के लिए प्री हीट होने देना है। अब हम यहाँ पे बैटर तैयार कर लेंगे केक का। हमने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है और ये बिस्किट के चूरे को जो है, पाउडर को जो है, इसे हमें इस तरीके से निकाल लेना है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इस तरीके से निकाल लेंगे, इस तरीके से कर लेंगे हम। अब हम यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा। आप चाहे तो इसमें इनो का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इस तरीके से कर लेना है। हमें यहाँ पर कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ पे ले लिया 1 कप दूध ले लिया है। दूध आपको न ज़्यादा गर्म ना ही ज़्यादा ठंडा लेना है, रूम टेम्परेचर पे ही रखना है। इस तरीके से दूध को हम थोड़ा थोड़ा करके मिला लेंगे और एक थिक सा बैटर तैयार कर लेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके हमें दूध मिक्स करना है। इसे बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाता है ये। इस तरीके से हमें एक थिक सा बैटर तैयार कर लेना है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसकी कंसिस्टेंसी इसी तरीके से हमें रखनी, एकदम क्रीमी यम्मी, देखते से ही खाने को मन कर रहा हो। इस तरीके से कर लेना है। इसमें ना ही लम्स होने चाहिए, ना ही कुछ होने चाहिए। देखिए, बहुत ही अच्छा हमारा बैटर बनके तैयार हुआ है। अब हम इसे केक टिन में डाल देंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। इस तरीके से केक टिन ले लेना है। हमने इसे अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब हम इसमें सारे बैटर को डाल देंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। इस तरीके से डाल देना है, इस तरीके से सारे बटर को हमें डाल देना है। इसे हल्का सा हम टैप कर लेंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा एयर हो वो निकल जाए इस तरीके से, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब हम इसे प्री हीट होने देंगे। अब हम यहाँ पे कढ़ाई का ढक्कन खोल देंगे। इसे प्री हीट होने दिया था हमने, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये गर्म है, इसलिए बहुत ही आराम से हमें यहाँ पे केक को रख देना है, मोल्ड को, जैसे कि आप देख रहे हैं। इस तरीके से बहुत ही आसानी से हमें रख देना है, बिल्कुल बीच में रख देना है। इस तरीके से रख देंगे। अब हम इसे ढक देंगे। इसे करीबन हमें 30 से 35 मिनट के लिए
गैस का फ्लेम हमें यहाँ पे लो टू मीडियम ही रखना है। इसे बीच बीच में हमें बिल्कुल चेक नहीं करना है, नहीं तो हमारा केक जो है वो अच्छे से फूल। जैसे कि आप देख रहे हैं 30 से 35 मिनट हो चुका है। अब हम यहाँ पे केक को एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कितना अच्छा फूला फूला सा हमारा केक दिख रहा है। अब हम इसे टूथपिक की सहायता से चेक कर लेते हैं। देखिए एकदम फ्रेश निकल आ रहा है, इसे 2 से 3 बार हम देख लेते हैं। देखिए केक हमारा यहाँ पे अच्छे से बेक हो चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अगर आपकी टूथपिक अगर थोड़ी हल्की गीली आ रही है तो आप इसे 5 मिनट तक और इसे कुक कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं केक हमारा ठंडा हो चुका है। आसपास से इसे नाइफ की सहायता से निकालने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही निकल चुका है जैसे कि आप देख रहे हैं। अब हम इसे पलट देंगे इस तरीके से, देखिए इस तरीके से हम पलट देंगे। देखिए वाह कितना अच्छा केक हमारा बनके बिल्कुल तैयार हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं एकदम फूला फूला स्पंजी सा बनके तैयार हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा ओरियो बिस्किट का केक बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। जैसे कि आप देख रहे एकदम स्पंजी सा एकदम बनके तैयार हुआ है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से ये बनके तैयार होता है। अगर आप चाहे तो इसे डेकोरेट कर सकते हैं, इसे भी बहुत ही सुंदर लगेगा। या फिर आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, आप बच्चों की बर्थडे पार्टी में या फिर आपका जब भी मन हो तो आप इस तरीके का केक घर पे बना सकते हैं। बहुत ही आसान है। देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों कितना स्पंजी सा और कितना अच्छा सॉफ्ट हमारा केक बनके बिल्कुल रेडी हुआ है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।